चलिए, वो उसको अच्छे अलाउ कर रहे थे नंदिनी बाबू को रिकॉर्ड करने के लिए ना, इसलिए लिखिए ना सब। वो लिखे लिखे लिखे, यस सर बस हो गया। हाँ जल्दी कीजिए सर, हो गया। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और समझाते हैं ना, एक क्वेश्चन और समझाते हैं बाबू, उसको समझिए दम, और उसके बाद अब ना समझाएंगे, उसके बाद हम लोग टाइप थ्री पे मूव करेंगे। ये टाइप टू है, टाइप थ्री पे मूव करेंगे। एक क्वेश्चन और समझिए, अगर दो इतना नहीं समझ में आया बाबू तो फिर दिक्कत है आप लोग का, सब समस्या। देखिए मेरा नेक्स्ट क्या बाबू, नेक्स्ट मेरा थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, नहीं नहीं थर्ड क्वेश्चन बाबू, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है ना, टाइप सेकंड थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है ना। 50x² क्या बाबू, देखिए 50x² प्लस 53x और प्लस बाबू कितना है, 3 है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना बाबू, पहले क्या करना है, पहले आपको ये करना बाबू कि जो साइड साइड में है, जो यहाँ जो एक्स का कोफिशिएंट, उसको पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 50 × 3 नेक्स्ट वाला देंगे बनाने के लिए, ठीक है ना, नेक्स्ट दो देंगे बनाने के लिए, है ना, उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, एक बार सीख लीजिए, ये लास्ट बार सीख लीजिए, जो नहीं सीखे वो सीख लीजिए। 50 × 3 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा तेजी से करते हैं, यहाँ लास्ट है, यहाँ लास्ट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 150 होगा, ठीक है, ठीक है सर, तो 150 होगा बाबू। तो हम लोग क्या करेंगे, 50x² है, अब प्लस 53x है, तो इसको दो टर्म में आपको ब्रेक करना है, तो इसको हमको कैसे पता चलेगा, 53x को कैसे ब्रेक करोगे, तो जो 150 आया बाबू, इसको आप पहले क्या करो, फैक्टर करो, तो 2 से 75 है ना, फिर इससे कितना आएगा, 25, और फिर आपका 5 से कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 75 को आप कैसे लिखोगे, 75 को इस तरह से लिखना, 75 को बाबू आप लोग कैसे लिखोगे, 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है, ये करना। अब इसी से आपको सोच के करना है, ठीक है ना, इसमें से किसी भी दो डिजिट तीन डिजिट को इस तरह से उठाओ, उसको जोड़ो सर, वहां पे 150 ना होगा 75 की जगह, यहाँ पे सर नीचे जो बताया, और नीचे सर, और नीचे सर जहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, 15 × 3 नीचे सर यहाँ पे, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है बाबू, ठीक है। तो आपको अब सोचना बाबू, 53x को इस तरह से दो डिजिट के सब में ब्रेक करो, कि इसको ऐड करो तो 53 × 150, तब सोचो अगर मान लो बाबू 25 इसको इसको एक साथ करते और इसको इसको एक साथ करते, तो 25 × 5 = 25 × 3 × 6 तो 25 + 6 मेरा आता 53, 25 + 6 = 31 होता, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, आपको खुद सोचना है, खुद सोचना है। अगर बाबू इस तीनों को एक साथ रखते तो 5 × 5 × 3 कितना होगा, तो ये मेरा 5 × 5 कितना, 25 + 3 होगा। अरे बाबू ठीक है, तो हमको भी पता, पहले आप सीखो ना, हम आपको सोचने के लिए बता रहे हैं, हम डायरेक्ट करेंगे तो फिर बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इस तीनों के साथ देखते बाबू, तो 5 × 5 × 3 कितना, 75 × 2 करते हो तो 75 × 2 मेरा कितना, 150 आ जाता, लेकिन इसको ऐड करने पे मेरा 53 आया, नहीं आया ना, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो यहीं से आपको सोचना है, कैसे सोचेंगे सर, तो बाबू सोचो, और कैसे सोचोगे, सोचो 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 सोचो, देखो बाबू 2 × 5 × 5 तो 5 कितना हो जाएगा बताओ, 5 × 5 मेरा कितना होगा, 25 × 2 50, ठीक है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू अगर इसको एक बार ऐसे लिख दें, 2 × 5 × 5 × 3 इसी चीज को उलट पुलट के लिखे ना, और इसको एक साथ कर देंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 25 × 5 = 25 × 2 50 होगा, और इंटू थ्री, तो 50 × 3 कितना हो जाएगा, 150, और 50 + 3 कितना हो जाएगा, 53 नहीं आ गया मेरा, ये डिजिट नहीं आ गया। तो इसी तरह से इसी कंफैक्टर करना, और इसी में से आपको सोचना है, ठीक है ना, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सोचोगे, है ना, ठीक है बाबू। तो इसी को आपको क्या करना बाबू, सोचना था, हम लोग 53 को कैसे लिख सकते बताइए, 53 कैसे लिख सकते हैं, 50x है ना, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, 50x और प्लस 3x, ठीक है, और ये 3 है तो इसको रहने दीजिए, 3 = 0 है ना, ठीक है बाबू। यहाँ से इसको डिमार्केशन लाइन है ये आपका,
इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर का डिमार्केशन लाइन हो गया। इसके बाद इसको ना लिखना है, चलिए अच्छी बात। अब यहाँ पे आपको सोचना है, हर एक स्टेप में सोचना है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम कैसे करें कि मेरा मैक्सिमम टर्म कॉमन हो जाए, मैक्सिमम टर्म बाबू कॉमन हो जाए, ठीक है ना। दो दो का पेयर बना के इस दोनों को और इस दोनों को, तो देखो यहाँ भी 50 है सर, यहाँ भी 50 है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, ठीक है ना। अब आप लोग थोड़ा तेज बनो, ठीक है ना, तेज बनो। 50 x स्क्वायर को हम लोग क्या लिखा बाबू, x इंटू x लिखा, प्लस 50 है बाबू इंटू x किया, और प्लस 3 है, तो 3 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0, कि नहीं है ना। अब देखो बाबू यहाँ भी मेरा क्या 50 है, x है, यहाँ 50x है, ठीक है ना। तो 50x को बाहर निकालिए, आप लोग घर से बाहर निकालिए, तो 50x बाहर निकल जाएगा, तो 50x बाहर निकल जाते, यहाँ क्या बचेगा मेरा x से बचेगा ना, x बच गया, और यहाँ से 50x बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो फिर बाबू यहाँ क्या बचेगा, जहां भी बाबू पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा ना, तो वहां कुछ नहीं बच रहा, तो जीरो मत लिख देना, नहीं तो गलती हो जाएगा, वन कर देना, ठीक है ना बाबू। यहाँ बाबू 50x अगर बाहर निकाल दो बाबू, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो इसमें अगर वन से गुना कर देते हो, इतना एकदम डिटेल से बताएं आप लोगों को, एकदम डाउट ना रहे। अब हमको वन से गुना करना, इसको थोड़ा सा दूर में लिखो, लिखो जितना भी पॉसिबल केस है बाबू। आपको हम तीन चार बुक का ये कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ सिंपल एक बुक का नहीं है। इसको थोड़ा दूर में हम लोग लिखते हैं 3x को, ये 3x हो गया बाबू, प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये 50x है, तो यहाँ कुछ नहीं है बाबू, तो 1 से इसमें गुना कर देंगे तो कोई अंतर होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से बाबू, तो आपको कोई अंतर पड़ेगा, ठीक है, 50x हो गया, ठीक है। तो इसको बाबू 1 से अगर गुना कर दोगे तो मेरा कोई रिजल्ट में अंतर नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर में बाबू 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर तो उसका वैल्यू चेंज ना होता। तो यहाँ से हमने क्या किया, 50x यहाँ 50x बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 नहीं बचेगा ना बाबू मेरे, यहाँ 50x बाहर निकल गया तो 1 बचा, ठीक है सर। पहला यहाँ मेरा क्या कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 3 है सर, यहाँ 3 है, तो 3 को घर से बाहर निकालिए, तो घर से ये घर हो गया, घर से बाहर हो गया, तो बचेगा यहाँ क्या, 1, और यहाँ 3 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, जहां टोटल बाहर निकलेगा ना वो, तो वहां पे 1 बचेगा, 3 इंटू 1 करोगे ना 3 बाहर निकल जाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल टू कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ भी x प्लस 1 है सर, यहाँ भी x प्लस 1 है, इसको भी घर से बाहर निकालो, तो x प्लस 1 बाबू बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, 50x बच गया, और यहाँ x प्लस 1 बाहर निकल गया तो कितना बच गया, 3 बच गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करना बाबू, इसको सेपरेट सेपरेट 0 करो, जब इस तरह से दो टर्म आ जाए ना, इसको सेपरेट सेपरेट 0 करो, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक बार बाबू क्या करो, इसको 0 करो, 50x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 करो बाबू, तो 1 को इस साइड जाओगे तो कितना होगा, माइनस 1 होगा, तो x बराबर माइनस 1 हो गया। यहाँ से बाबू इसको अगर करोगे तो 50x है, और इस 3 को इधर भेजोगे तो कितना होगा, माइनस होगा, यहाँ प्लस है बाबू, तो आपको बताया ना कि राइट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजो, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला, तो साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एडिशन का मल्टीप्लिकेशन, नहीं मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन है ना, तो इस प्लस 3 को इधर करेंगे तो माइनस 3 मिल जाएगा, तो ये माइनस 3 होगा, ठीक है। यहाँ x होगा बाबू, यहाँ कितना होगा, x होगा, अब बराबर माइनस 3 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ 50 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाएगा तो कितना, माइनस 3 बाई 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लाइज डेट दे दीजिए, यहाँ इम्प्लाइज डेट दे दीजिए, तो x का मेरा कितना वैल्यू आया बाबू, 2 वैल्यू आया। अब ये जो वैल्यू आया ये मेरा सही आया कि नहीं आया, तो इसको हम लोग कैसे क्रॉस चेक करेंगे, इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखिए, आंसर देखिए सही आता है कि नहीं आता, तो x की वैल्यू मेरी 2 आई, माइनस 1 आ गया और माइनस 3 बाई 50 आ गया। तो आप लोग इसको लिखिए, आप 2 क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, फिर हम लोग टाइप नेक्स्ट टाइप 3 पढ़ेंगे, बनाने के लिए नहीं दीजिएगा सर सीडब्ल्यू, हाँ हाँ 2 दे रहे हैं बनाने के लिए बाबू, जो भी बनाने के लिए देंगे क्वेश्चन उसको मैथ के फेयर में ही बनाना, और मैथ का फेयर बनाना बाबू है ना, और ये जो किताब का क्वेश्चन रहेगा उसको अलग कॉपी में मैथ बनाना है, ठीक है ना, नहीं तो एक ही में बनाओगे ना तो आपको फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा, किताब का क्वेश्चन उसको अलग कॉपी में बनाए, सेपरेट कॉपी में। किसको किसको समझ में नहीं आया, 3 क्वेश्चन करवाए बाबू, अगर इतना से समझ में नहीं आता तो थोड़ा आप लोग खाना उना बढ़िया से खाइए, कुरकुरे और ये लेज मत खाइए, फल फ्रूट खाइए। शिवम बाबू वीडियो कहाँ बंद है बाबू,
शैतानी करता है, शिवम और शिवानी दोनों शैतानी करता है, बंद करता है उधर डांस करने जाता है। सर मेरा वीडियो कहाँ बंद है? ना ना आपका ऑन है बाबू, आपका ऑन है। दोनों झगड़ा करता है उस समय बंद खाली कर लेते हैं। चलिए कल किसके किसके पास से रह गया ना, एक रिश्का है ना एक रिशा भाई, से ये दोनों के पास ट्रीटमेंट का समस्या रह गया, बाकी सबका हो गया। अन्यथा के पास भी कर दिए, शिवांगी के पास भी हो गया, जानवी हो गया है ना, शिवम का भी हो गया, शिवानी का भी हो गया, और सतीश चला गया वो औरंगाबाद वाला, पढ़ने वाला नहीं है वो, लगता है आता है जाता है, गार्जियन ही नहीं केयर करते हैं, जिसके बच्चे गार्जियन ही केयर करें वो बच्चे अपने से थोड़ी पढ़ाई। जिसके गार्जियन जितना केयर करेंगे बाबू बच्चे उसको उतना सही रहते हैं। किसी को यहां तक समझने में प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो आगे पढ़िए। कहीं भी कोई डाउट है बाबू एकदम पूछिए, ठीक है ना, आपको पढ़ाने के लिए हम आए ना। लेकिन हम जो भी बता रहे हैं बाबू बेसिक टर्म सब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जितना भी पीछे पढ़ा है उसको आप लोग एकदम कंप्लीट रखिए, तब आगे समझने में मजा आएगा। ट्रीटमेंट टाइप पे जानते हो, इससे और क्लियर दिखाई देगा, एकदम फुल एचडी में दिखाई देगा, ठीक है ना, ट्रीटमेंट टाइप में। दो क्वेश्चन होमवर्क देते हैं बाबू सर, इधर वाला भी लिखेंगे 15 to 3 150 ऐसे। हाँ हाँ इधर भी आप साइड में लिख लीजिए, कॉपी के इधर साइड होगा ना लिख लीजिएगा, ऐसा ज्यादा नहीं बचा है तो दो सर, उसमें सर अगले पेज में लिख लें, लिख लीजिए और क्या। ये बताइए बाबू अभी आपको दो और करवाए तो उसमें भी आपने नहीं लिखा होगा जानवी? नो सर, नहीं ना लिखे, हमको पता। तो आप यहाँ से ब्रेक करोगे जब रिवीजन करोगे बाबू, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कैसे टूटा 50+3 कैसे टूटा, जब रिवीजन करोगे ना तो वहां नहीं समझ में आएगा आपका। ठीक सर लिख लेंगे, सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो लिख लेंगे बाबू। तो हम नहीं उसका स्क्रीनशॉट लिए, आप वीडियो से देख के लिखिएगा फिर सर। ठीक सर, वो अभी रिकॉर्ड हुआ होगा तब ना उसके वाला में, नंदनी बाबूलाल में, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिए, लिख लिया मेरे बाबू अन्य सा बाबू सबसे कछुआ। हाँ बाबू बोलिए, शिवम शिवम है कि ऋषभ है? चलिए दो होमवर्क देते बाबू, सर होमवर्क नहीं चेक कीजिएगा, कर रहे हैं ना होमवर्क देने के बाद कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं चेक होमवर्क सर। पहले तो वो क्लास वर्क कर लेंगे ना, उसके बाद होमवर्क दीजिएगा। हाँ पहले इसको दे रहे हैं ना, इसको आप इरेज करेंगे तब ना लिखेंगे, आप लोग लिखिए तो पहले इसको। हो गया ना सर? सर हो गया। चलिए अच्छी बात है। दो है बाबू, और इस दोनों होमवर्क देंगे, इसको क्रॉस चेक करके भी लाना, जो आपका आंसर सही आया या गलत आया हमें कैसे पता चलेगा, देख के भाई लोग पूछते हैं। सर आप जो होमवर्क दिए थे कल उसमें क्रॉस चेक किए हैं? हाँ हाँ हाँ, तो आ गया सभी का, तो मतलब सही है। क्वेश्चन नंबर 4 सर, सब में 0 आया। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू, 100x² + 105x, इसको जो भी होमवर्क है बाबू इसको फेयर में ही बनाना, +5 बाबू = 0। होमवर्क है कि क्लास वर्क है सर? पहले क्लास वर्क दीजिए ना। क्लास वर्क है? अच्छा अभी बनाओगे? ठीक है तो बनाओ इसको। अच्छा ठीक है इसको बनाओ, आइए एक एक क्वेश्चन आप लोग स्वयं बनाओ, ठीक है ना, 5 5 6 तो होमवर्क कर देते हैं, ठीक है सर, इसको जब तक आप लोग, अच्छा ठीक है इसको आप लोग जब तक बनाओ, बाकी हम लोग करके बनाएंगे। किधर करके बाबू?
सर जैसे फैक्टर निकालना है वैसे बनाएंगे। हाँ हाँ इसी तरह से करना, अभी आपको सीखना है ना, फिर बाद जब सीख जाओगे अच्छे से तो डायरेक्ट करना, अभी आपको सीखना है ना बाबू, आराम से फिर से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी आई बाई बाबू पहला नंबर क्वेश्चन, 6x² + 12x + 6 = 0 दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू, 12x² + 18x + 6 = 0 16x² ये तो हो ही गया ना, एक ट्वेंटी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो x² + 9x + 18 = 0 पांच आपका होमवर्क है, और इसको क्या करना बाबू, ऑल्सो क्रॉस चेक। क्वेश्चन का हेडिंग क्या रहेगा, क्वेश्चन का हेडिंग रहेगा बाबू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सर बन गया, अच्छी बात है बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द given equation, and also do cross check. ये पांच नंबर का है, इसको भी लिखिए, दिखाए सर क्लास वर्क, लिख लीजिए ना इसको, फिर हम कर रहे हैं दिखा रहे हैं, के बाद देख लेंगे। और ये जो क्लास ये जो है ना बाबू, इसी रिलेटेड से ना मेरा ये जो अभी पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको फेयर में ही लिखना है, ठीक है ना, बार 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 इसको फेयर में ही लिखना है, और किताब वाले क्वेश्चन को सेपरेट करना है, ठीक है ना, फिजिक्स वाले को अलग करना, और आज जो अभी क्लास में पढ़ा है बाबू उसको रफ में लिखना है, उसके बाद फेयर करना है। चार कॉपी आप लोग बनाइए, फिजिक्स का सेपरेट, मैथ का सेपरेट, मैथ के क्लास जो किताब है उसका सेपरेट, एक क्लास का ले रफ, तब ना आप लोग स्कूल जाओगे तो अच्छे सुंदर सर आएगा तो दिखाओगे, देखो हमारे सर ऐसे पढ़ाते हैं, आपके सर क्या ऐसे पढ़ाते हैं,
किसी को दिखाना बाबू, तो सुंदर सा लिखा हुआ रहेगा तब ना। चलिए अटेंडेंस छूटा हुआ है बाबू, वो दो दिन से छूटा हुआ अटेंडेंस सर, तीन दिन से है ना, तीन दिन। आप लोग याद नहीं दिलाते हो, हम पढ़ने पढ़ाने में बिजी रहते हैं। चलिए देखते हैं बाबू। अच्छा उसमें मेरा अटेंडेंस बन जाएगा। शिवांगी तो रेगुलर है, एब्सेंट ना हुई है। जानवी भी रेगुलर है, नंदिनी बाबू भी रेगुलर है, अन्यसा भी रेगुलर है, रिश्का है ही, ऋषभ ये भी है, सतीश ये नहीं है। सतीश तो कल टेस्ट लिया था ना बाबू, 20 तारीख कल ही था ना, संडे को था ना, तो सतीश तो टेस्ट दिया था। ठीक है, शिवानी, शिवानी बाबू भी टेस्ट दी थी, कृतिका ये नहीं, ये भी दी थी हाँ, और शिवम बाबू ये भी दिया था। 21 कल था बाबू, कल शिवांगी आई है, जानवी भी आई है, नंदिनी बाबू भी आई है, अनुषा भी आई थी, रिश्का भी आई थी, ऋषभ भी आया था, सतीश इसके बारे में नहीं ख्याल है, ये तो शिवानी ये बाबू तो आई थी, और आपकी कौन बच गई, कृतिका नहीं आई थी कल बाबू, कृतिका थी कल थी, और शिवम कल था। आज बाबू शिवांगी है, जानवी बाबू भी है, नंदिनी बाबू भी है, अनुषा बाबू भी है, रिश्का भी है, और ऋषभ भी है, सतीश गायब है, और शिवानी ये बाबू भी है, 8 नंबर कृतिका ये गायब है, वो दोनों ऐसी है बाबू, नहीं पढ़ते लिखती है, शिवम है, आप ही लोग हो जो हो। चलिए हो गया, ठीक है बाबू। अब हम लोग होमवर्क चेक करते बारी बारी, हल्ला नहीं कीजिएगा, पहले मेरा, उसका भी अब हम लोग सिस्टम बना देंगे बाबू, ठीक है ना, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा उसको पहले हम लोग होमवर्क चेक करेंगे, जैसे जैसे पीछे आएगा उसका लास्ट में होगा चेक। सर पहले चेक कर लीजिए आंसर, आंसर कितना कितना आया, ये इसका कितना पहला नशा का जो सबसे अथी है ना कमजोर है ना, उसी को केयर करना पड़ेगा। इसका क्लास वर्क का कितना आया बाबू, क्लास वर्क का कितना आया, एक्स की वैल्यू माइनस 1/20 और एगो आ जाएगा -1 आ जाएगा, चलो दिखाओ बाबू अनसा, लिख लिया बाबू अनसा, दिखाइए सर अभी नहीं। अच्छा ठीक है, आप तो शैतान है, ऋषभ दिखाओ, ऋषभ सर मेरा देखिएगा, देख रहे हैं बाबू, ये दोनों को पहले देख ले, दोनों ऐसा नहीं ना पढ़ता है, ऋषभ सुनने का भी नहीं ना, होमवर्क दिखा रही है बाबू, देखो इसका होमवर्क, देखो इसका इतना बड़ा लैपटॉप है बाबू, यस सर क्लास वर्क तो चेक करिए, हाँ इसी साथ कर लेंगे, तो ये तो दिखता भी नहीं है बाबू, लाइट लाइट रूम में जलाओ ना, लाइट रूम में जलाओ ना, रिकॉर्डिंग बंद कर लो बाबू, नंदिनी बाबू हो गया, ठीक है सर, जला है।